हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनीवे में स्वागत है। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचते रहे। तो कि आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन। इसमें थोड़े कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें कुछ सरल क्वेश्चंस थे। तो अब इस वाली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। दीपक ने अमित से 6500 रुपये उधार लिए। तो मैंने अगले वीडियो में बताया था कि जो राशि उधार ली जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो SI दिया गया है 6500 रुपये, 6500 रुपये, और समय दिया गया है 4 वर्ष बाद, तो T बराबर 4 वर्ष। और 4 वर्ष बाद दीपक ने अमित को उधार लिए गए धन से 2080 रुपये अधिक देता है। सॉरी, ये मूलधन है, जो उधार लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, और 2080 रुपये ब्याज दे रहा है उसको। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि दर। तो देखिए, SI बराबर सूत्र होता है P इंटू R इंटू T बटे सम। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2080 रुपये बराबर मूलधन दिया गया है 6500 रुपये, आर दर निकालनी है T 4 वर्ष बटे सम। तो देखिए, 00 से 20 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 2 8 0, 65 8 यानी 8% दर कितनी आ गई, 8%। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रश्न में दिया गया किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16, यानी SI इस धन का 9/16 है। यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो, तो जब इस तरह दिया जाए, अगर इससे कम हो संख्या, तो ये ऊपर वाला होता है साधारण ब्याज और नीचे वाला होता है मूलधन। एक बात हमेशा याद रखना। तो देखिए, ये साधारण ब्याज है और ये मूलधन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगा देंगे। निकालना है हमको दर। तो देखिए, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। तो देखिए, साधारण ब्याज 9 दिया गया है, P मूलधन 16, R गुणा T को हम मान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो, तो इसको भी टी बराबर आर मान लेते हैं, तो आर बटे सम। तो देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 900/16 बराबर, यहाँ पे इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो आर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो 30√900/16 बराबर आर आया। तो 900 से 30 निकल के बाहर आएगा और 16 से 4 बाहर निकल के आएगा। जब इसका भाग इसमें देंगे तो 7/2/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो दर कितनी निकल के आई, 7/2/4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो वाला हल हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए, समय दिया गया है 8 वर्ष, तो मान लेते हैं माना मूलधन P 100 रुपये और मिश्र धन हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 गुना कह रहा है कि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए, अब SI निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, नहीं मिश्र धन, A बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो देखें, मिश्र धन 2x दिया गया है और मूलधन x दिया गया है प्लस ब्याज। तो देखिए, जब इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो x बचेगा बराबर ब्याज, ये ब्याज कितना है 100 रुपये। अब क्या करेंगे हम,
ब्याज एक्स आ गया, समय टी वर्ष आ गया, मूलधन एक्स आ गया। तो हमको प्रश्न में निकालना क्या था कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, तो दर निकालनी है। तो देखिए एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये बराबर मूलधन कितना दिया गया है 100 रुपये। आर निकालना है हमको और टी दिया गया है 8 वर्ष, 8/100। देखिए 4 × 2 = 8 25 आ गया और एक्स से एक्स ये कटा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 25 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 25 बराबर आर ये 2, तो ये 2R। अब ये 2/2 में आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो अब इसको इससे काट देंगे तो आर कितनी आई 12.5%। ये निकल के आई हमारी दर। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्षों में, समय दिया गया है टी बराबर 1/4 वर्ष और अपने का 41/40 हो जाता है, यानी अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए मैंने बताया कि अगर इससे कम हो तो ये वाला होता है मूलधन और नीचे वाला होता है ऊपर वाला होता है ब्याज और नीचे वाला मूलधन। जब इस वाली नीचे से ऊपर की संख्या ज़्यादा हो तो ये होता है मिश्र धन और ये होता है मूलधन। तो क्या मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन कितना दिया गया 41 बराबर मूलधन 40 प्लस SI, तो इससे क्या निकल के आया SI ब्याज निकल के आया 1 रुपये। इससे इसमें घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब चलते हैं देखिए अब क्या कह रहा हूँ, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो चलिए दर निकाल लेते हैं। तो SI बराबर PRT/100। देखिए मूलधन कितना दिया गया है 40 रुपये, 40 लिख देंगे बराबर, सॉरी SI दिया गया है 1 रुपये तो 1 लिख देंगे, मूलधन दिया गया है 40 रुपये, 40 लिख देंगे। आर हमको निकालना है, टी दिया गया है 1/4 वर्ष और 100, तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कटा, 4 से 4 ये कटा, तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 10 बराबर आर, तो आर कितनी आ गई 10% आ गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, यानी n बराबर 30 दिया गया है और कह रहा है 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तिगुना। तो देखिए दर निकालनी है, तो मैंने क्या बताया हा? कि माना मूलधन p बराबर 100 रुपये और मिश्र धन उसमें 2 गुना कह रहा था, तो 2x माने तो इसमें 3 गुना कह रहा था, तो इसमें 3x मानेंगे। अब क्या लगा देंगे सूत्र, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन 3x बराबर मूलधन 100 रुपये प्लस SI, तो ये इधर आएगा तो 2x बराबर SI कितना है 2x। अब क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे, SI बराबर PRT/100। तो देखिए SI दिया गया है 2x रुपये, तो 2x लिख देंगे, मूलधन 100 रुपये माना था 100 लिख देंगे, R समय दिया गया है, सॉरी R दर निकालनी है, T समय दिया गया है 30 वर्ष/100, तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कटा, इस x से x ये कटा, 10 × 2 = 20 20/3 बराबर R। देखिए 10 का गुणा इसमें 10 × 2 = 20 अगर 3R है तो 3 से नहीं बटे में आ जाएगा, तो जब इसको काट लेंगे तो 6/2/3% दर आ गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6.1/2% वार्षिक से 8% वार्षिक कर देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो यह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पहले दर क्या थी? पहले दर थी 6.1/2, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 × 12 = 11/2, तो जब इसको काटेंगे तो क्या आएगी दर? 6.5%। और अब कितनी कर दी गई है? अब कर दी गई है 8%, तो इससे कितना ज़्यादा है? तो इससे ज़्यादा है 1.5%, तो हम दर कितनी मान लेंगे? 1.5%, क्योंकि जो बढ़ाई गई है। और साधारण ब्याज कितना बढ़ जाता है? 40.50 रुपये, 40.50 रुपये बढ़ जाता है। अगर इसमें वृद्धि कह रहा तो हम वृद्धि वाला लेंगे, तो इसको इसमें घटाएंगे तो वृद्धि जो वृद्धि आई वही लेंगे। तो देखिए अब सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, SI = PRT/100। तो देखिए SI दिया गया है 40.50 रुपये, मूलधन निकालना है, आर दर दी गई है 1.5 × समय दिया गया है, समय कह रहा है कि वार्षिक एक वर्ष में 1/100। तो देखिए 0.00 नीचे लगा, अब क्या करेंगे? इससे 0.00 हटाएंगे तो 2 0 नीचे लगेगा, तो 2 0 से 2 0 ये ख़त्म। अब क्या करेंगे? इसको इससे काट देते हैं, 15 × 30, 15 × 7 = 105, 270 रुपये आ गए। तो क्या है? 270/P/10 या 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं। अब 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2700 रुपये / P, ये आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।